हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं सोनू राणा, ग्राम पैंक जो पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशी मठ ब्लॉग में। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं देवभूमि की इन खूबसूरत बरसती हुई पहाड़ियों से। गाइस अभी टाइम सुबह के 8 बज रहे, उधर पहाड़ों भी दिख रहा पीछे साइड, तो उधर पहाड़ों में पूरा बारिश आने लग गया। इन्हें 7 बजे के आसपास जब उठे हम तो यहाँ हल्का से बर्फ आ रहा था, अभी तो बंद हो गया और अभी उधर पहाड़ों भी दिख रहा आ रहा। इस सामने के पहाड़ दिख रहे होंगे, वहाँ बारिश आने लग गया उधर। अभी इनकी साइड थोड़ा हो रहा मौसम साफ, आज यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रहा है, आसमान में भी पूरे बादल लगे हुए हैं। तो थोड़ी देर बाद 10 बजे तक हम लोग तमका चलेंगे नोंग, तो आज दीदी को पहुँचाने जाऊँगा। आज अभी टाइम 10:30 होने वाला है और यहाँ पर दिख रहा होगा आज घोड़े आर की इधर एक घोड़ा यहाँ पर और 3 नीचे साइड रास्ते के नीचे, वो दिखाई नहीं दे रहा। अभी टाइम 11:30 होने वाले और हम लोग तैयार हो गए नोंग जाने के लिए और दीदी लोग आगे चले गए। दीदी और मम्मी जा रहे आगे से और मैं भी जाने लग गया हूँ। चलो चलते हैं हम नोंग। अभी हम लोग आधे रास्ते में आ गए और फटाफट जाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट से गाड़ी आ चुका है और दीदी लोग तो आगे चले गए, थोड़ा आगे नीचे पहुँच गए, मैं थोड़ा पीछे छूट गया हूँ। अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए, जैसे हम रोड में पहुंचे थे वैसे यहाँ पे गाड़ी भी पहुंच गए थे, तो अभी हम लोग जाने लग गए नोंग के लिए। अभी हम लोग बड़गांव में पहुंच गए, यह बड़गांव। तो गाइस अभी हम बड़गांव से थोड़ा आगे ढाक पहुंच चुके हैं और यही ढाक में ITI कॉलेज भी है। अभी हम लोग तो भवन पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर यहाँ तो भवन में रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे। तो क्या यहाँ रोड के ऊपर ये दिख रहा होगा, ऊपर झरना है, बहुत सुंदर दिख रहा है ऐसे। अभी हम लोग सो रहे हैं, पहुंचे हैं। तो गाइस सुरेटो से 2-3 किलोमीटर आगे गुआड़ पड़ता है, ये है सामने जहाँ तोलमा वाले जाड़ों के टेम्पर रहते हैं। तो गाइस अभी हम लोग फाकती में पहुंच चुके हैं और यहाँ से फाकती के लिए रास्ता जाता है, सामने रास्ता दिख रहा है और ये फाकती गांव है, यहाँ सामने दिख रहा है थोड़ा। तो गाइस यहाँ से फाकती गांव का पूरा व्यू दिख रहा है। गाइस अभी टाइम 1:30 बज रहा है और हम लोग तमंग भी पहुंच चुके हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा हवा चल रहा तेज। यहीं सामने जो है गदेरा है यहाँ और यहाँ नीचे साइड भी, यहाँ सामने लिखा है गांव में भारी व्यक्तियों का आना मना है,
ये उस टाइम का लिखा हुआ है जब यहाँ कोरोना बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था, तो इसीलिए गांव में प्रतिबंध लगा दिया था, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आ रहा था। हम लोग नाव पहुँच गए, नाव ऊपर तिथि लोग घर में, और यहाँ अंदर बैठ गया हूँ मैं। और बाहर तो काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है, मौसम में आसमान में पूरे बादल लगे हुए हैं, यहाँ ठंड भी होने लग गए हैं। टाइम 2:30 बजने वाले और यहाँ स्नोफॉल होने लग गए। अभी टाइम 3:30 होने वाले और अभी तो मौसम साफ हो गया और यहाँ धूप आ गए, और इस सामने दिख रहा होगा कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत नज़दीक पहाड़ है यहाँ। और नीचे साइड अभी वहाँ तो बारिश आ रही, अभी शाम के 6 बज चुके और बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रहा है। अभी यहाँ पर आग जला दिया और अभी आग सेकने लग गए। आज तो यहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कड़ाई।